चला गया था। एक बीमार शख्स जो दिल्ली के एक अस्पताल में है, उसने कहा कि मैं 150 राइफलधारियों के साथ रामपुर गया, अगर आजम मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे छलनी कर देता। मेरे ऊपर ऐसे रकीक इल्जाम किसी ने लगाए, भारतीय जनता पार्टी के आज के कैंडिडेट ने, कि मैंने अपनी मरी हुई मां की कसम खाकर कहा कि मेरे ऊपर लगे हुए इल्जाम सब झूठे हैं, सब गलत हैं। मैं बुजदिल आदमी नहीं हूं, मैं बुजदिल नहीं हूं। अगर मैंने कहा होता मैं आपके सामने इकरार करता कि मैंने कहा है, और जो नहीं कहा है वो आसमान ये गवाही देना तू कि सूरज दूसरी तरफ से निकल आएगा, लेकिन अगर कोई बात नहीं है तो उसे हां नहीं कराया जा सकता। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी? 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे, कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आप में और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। आपको पहचानने में 17 बरस लगे। 17 बरस, मैं 17 दिन में पहचान गया। बीजेपी के कैंडिडेट साहब, आपने दिल्ली के एक मंदिर में माता का दर्शन किया, माता की पूजा की, और पूजा करने के बाद आपने टीवी चैनल से ये कहा कि मैं रामपुर के लिए रवानगी करने वाला हूं। वहां एक दानव है, दानव, उसका मुझे अंत करना है। मैं नहीं जानता था दानव का मतलब क्या होता है। मैंने अपने हिंदू दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा दानव राक्षस को कहते हैं। मैं राक्षस हूं। आज भी कौन सी सरकारी जमीन ऐसी है जिस पर नेताजी का, अखिलेश जी का, आजम खां का नाम नहीं लिखा हुआ है? एक इमारत बता दो, किसी एक का नाम बता दो। यहां की तहसील से लेकर यहां के अस्पतालों तक, सड़कों से लेकर नालियों तक, रामपुर कुछ गुले गुलजार कर दिया, कैसा हसीन शहर बना दिया। जिला अस्पताल लोग उसे छोटा ताजमहल कहते हैं, शानदार द्वार, तारामंडल, नगर पालिका, सड़कें, नाले, बच्चों के स्कूल, एक शानदार यूनिवर्सिटी। मैं दानव हूं, मेरा वध होना है, मेरे सीने में 150 गोलियां उतारी जानी है, मुझे मार देना है, मार देना है मुझे, मुझे मार दो, इजाजत देता हूं, लेकिन अपने हाथों से मारो, किसी परदेसी से मेरी हत्या मत कराओ। देश का मुकद्दर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 130 करोड़ लोग शाहबाद वालों तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उठो और झूठ बोलने वालों से, धोखा देने वालों से, हिंदुस्तान की सरहदों के साथ नाइंसाफी करने वालों से बदला लो, बदला लो। इन 5 सालों में 5 गुना फौजी मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। इन 5 सालों में 5 गुना ज्यादा बेगुनाह मारे गए हैं।
इन 5 सालों में 5 गुना ज्यादा लोगों के हाथों में पत्थर आए हैं। क्या गुना था उर्दू गेट का? इसलिए कि उसका नाम उर्दू दरवाजा था। क्यों खड़े हो हिंदू मुसलमानों कांधे से कांधा लगाए हुए? क्यों बैठे हो? तुम्हारे मोहल्लों में एक दूसरों के घरों के नंबर क्यों लिखे हुए? मत नफरत करो। एक अफसर आया, अपने साथ 3 अफसरों को और लाया। दहशत मचा दी उसने रामपुर में। उर्दू दरवाजा गिराया, जौहर यूनिवर्सिटी की दीवार गिरवाई, पानी की टंकी का कनेक्शन काटा और 4-4 साल के बच्चों का कान पकड़कर कुर्सियों से उठाकर टांग दिया। ये कैसी मानवता है? ये कैसा राम राज है? धर्म वालों, ये कैसे धर्म का राज है कि 302 का मुलजिम अपने हाथ से अपने कत्ल के इल्जाम को खत्म कर लेता है और संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है? ये कैसा संवैधानिक देश है? क्या होगा? भारत कहां जा रहा है? देश कहां जा रहा है? हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जिसे 1 दिन की सजा दी वो गवर्नर बना दिया गया। क्या होगा संविधान का? ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा। न संविधान रहेगा, न परचम रहेगा, न लोकतंत्र रहेगा। फैसला आपके हाथ है। हमारे जैसे लोग ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। याद करो किन्हीं 2 लोगों के लिए हमें समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था। हमने बगावत नहीं की, हमने शिकायत नहीं की, हमने इंतजार किया और अपने अल्लाह से कहा कि अल्लाह अगर हम सच्चे हैं तो तू हमारा साथ देगा। हमने कश्तियां नहीं बदली, हमने कश्तियों में सुराख भी नहीं किया। इसलिए आपसे भी कहना चाहते हैं कि जिस कश्ती पर सवार हो उस कश्ती में सुराख मत करो।